टू दिस चैनल खान दिस साइड एंड मेरी के टी एम ड्यूक BS6 जो हमने पिछले हफ्ते न्यू परचेज की है लाइक है। आज इसमें हम हैंड गार्ड इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो ये वो हैंड गार्ड हैं जो मैंने इसके लिए मंगाए हैं। ये इंडिकेटर के साथ में आते हैं, ये कुछ इस तरह से बाइक पे लगेंगे यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अकरम भाई के पास में, इनको इंस्टॉल कराते हैं और आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं किस तरह से इंस्टॉल होते हैं। तो मैं अभी अकरम भाई के पास में हूँ, वैसे तो कार के मैकेनिक हैं लेकिन अपनी बाइक का छोटा मोटा काम भी यही करते हैं। तो अभी ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं बाइक में किस तरह से ये हैंड गार्ड इंस्टॉल किए जाएंगे। इन हैंड गार्ड के साथ में जो स्क्रू आए थे वो कुछ इस तरह के हैं, जो कि अपनी बाइक में तो नहीं लगेंगे क्योंकि KTM ऑलरेडी उनको लगाने के लिए जगह दे रखी है। तो इनमें हो सकता है थोड़ी बहुत रबर की कटिंग करनी पड़े। देखो तो थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा रबर इसमें लगी हुई है, ये रबर अभी निकाल रहे हैं जैसे कि साइड में ग्रिप बन जाए। गार्ड की इंस्टॉलेशन तो हो गई, बस अब इनके कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हेडलाइट को खोलना पड़ेगा। इसमें दो स्क्रू तो हमारे नंबर प्लेट होल्डर के नीचे लगे हैं और एक स्क्रू सामने की तरफ है। तो तीनों स्क्रू निकालने के बाद में दोनों इंडिकेटर के सॉकेट बाहर आ जाएंगे, इससे हमें इनके कनेक्शन कर देने हैं और बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, वरना प्लस माइनस अगर ठीक नहीं होंगे तो ये इंडिकेटर लाइट हमारी वर्क नहीं करेगी। कुछ इस तरह की दिखती है अपनी बाइक मॉडिफाई होने के बाद में। तो मॉडिफिकेशन कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, साइन आउट, बाय।